अमृता कालिया की एक सशक्त उपन्यास है सपनों की होम डिलीवरी। इसकी नायिका रुचि है। रुचि दो चैनलों में पाचक कला दिखाती हैं। वो पाचक विशेष पाक विशेषज्ञ और व्यंजन विशेषज्ञ रूप से ख्याति प्राप्त हैं। उसके एक पकवान आलू टिक्की बनाने के मामले में सर्वेश नारंग एक पत्रकर्मी है वो आ जाता है और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों तलाकशुदा हैं और दोनों के एक एक बेटे हैं। सर्वेश नारंग और रुचि आगे जाकर शादी कर लेते हैं। सर्वेश नारंग एक खोजी पत्रकार हैं। उनके दिन ऐसे ही जाते रहते हैं। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। एक दिन पता चलता है कि सर्वेश नारंग का बेटा नशा लेने के कारण मृत्यु हो गया है बेटे का। बाद में एक दिन रुचि के फ्लैट में रुचि का बेटा आ जाता है। उसके पिता के आतंकों से तंग आकर और रुचि उसे आसरा देता है। बाद में रुचि को मालूम पड़ जाता है कि गगन अपने पिता की तरह ही नशे में चूर है। वह अपने बेटे को फ्लैट से भगाता है। इसी बीच सर्वेश नारायण भी जान जाता है कि रुचि का एक बेटा है गगन। यह जानकर वह गुस्से में आ जाता है कि पहले क्यों नहीं बताया। इसी को लेकर दोनों में झगड़ा होता हो जाता है और एक होटल में बैठकर दोनों झगड़ा करते हैं। यह एक पत्र पत्रिका में इसके बारे में छप जाता है। दोनों अलग हो जाते हैं। कुछ महीने बाद सर्वेश नारायण का फोन आ जाता है कि जल्दी घर आ जाओ, एक समस्या है। रुचि सर्वेश के घर पहुंचकर जान जाता है कि वहां एक लड़का खोजी पत्रकारिता के बीच सर्वेश नारायण को मिला है। वह नशा लेने के कारण कुछ परेशान है और अंत में रुचि को मालूम पड़ता है कि वो लड़का उसका बेटा गगन है। सर्वेश नारंग कहता है कि तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा भी नशे के चपेट में है, तो अफसोस के साथ रुचि कहती है कि तुमने मौका ही नहीं दिया सर्वेश। तो सर्वेश कहता है, मुझे तो इसमें अंश दिखा। अंश का मतलब है सर्वेश का बेटा। चरस के अड्डे से इसलिए मैंने इसे उठा लाया। अंत में सर्वेश कहता है कि क्यों नहीं तुम गगन को लेकर इसी घर में नहीं रहती, क्यों नहीं यहाँ रहती, हम एक परिवार बनकर यहाँ रह सकते हैं। इस तरह सपनों की होम डिलीवरी समाप्त हो जाता है।